हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, अगर आपके प्ले स्टोर से आप कोई ऐप डाउनलोड कर रहे हो तो आपके मोबाइल में ऐप डाउनलोड नहीं हो रहा है, तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप इसे कैसे आप सही कर सकते हो। तो आइए हम आपको बताते हैं कैसे आपको क्या करना होगा जो आप में ऐप डाउनलोड नहीं हो रहा है। तो चलिए हम आपको बताते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, आप अपने प्ले स्टोर को आपको डायरेक्टली ओपन कर लेना होगा। ओपन करने के बाद हम डाउनलोड वाले ऑप्शन पर जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पर पेंडिंग का ऑप्शन आ जाता है या वेटिंग का ऑप्शन होता है या डाउनलोड नहीं होता है। तो चलिए आपको बताते हैं क्या सेटिंग करनी होगी। तो इसके लिए पहले हम आपको बता दें कि आपको चेक कर लेना है कहीं हमारे मोबाइल में नेटवर्क और डाटा है कि नहीं। कभी क्या होता है कि आपके मोबाइल में नेटवर्क नहीं आता है या डाटा नहीं होता जो आपको मिलता है, वो कहीं ख़त्म हो जाता है या नेटवर्क नहीं आता है। इसके कारण यह प्रॉब्लम जो आप में ऐप डाउनलोड की प्रॉब्लम आप में आती है। अगर ये सही है तो आगे चलिए हम आपको बताते हैं। तो चलिए इसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको दे सकते हैं आपको अपने यहाँ पर प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर यहाँ पर आपको क्लिक कर देना होगा। क्लिक करने के बाद आप दे सकते हैं, आप में कुछ इस तरह का ऑप्शन आप में देखने को आ जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर दे सकते हैं, आपको यहाँ पर सेटिंग का ऑप्शन शो हो रहा है तो इस वाले ऑप्शन पे यहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप दे सकते हैं, आपको यहाँ पर नेटवर्क प्रेफरेंस का ऑप्शन शो हो रहा है तो इस वाले ऑप्शन पर आपको डायरेक्टली क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर दे सकते हैं ऐप डाउनलोड प्रेफरेंस का ऑप्शन शो हो रहा है तो इस वाले ऑप्शन पे आपको जाना है। यदि आपके इनमें में से कोई यदि सिलेक्ट है, यदि आपका आस्क मी एवरी टाइम तो इस वाले ऑप्शन पे सिलेक्ट है तो आपको डायरेक्टली ओवर एनी नेटवर्क वाले ऑप्शन पे सेलेक्ट कर देना है। अगर आप इस पे भी आपका सेलेक्ट होगा तो आपको इस पे डायरेक्टली कर देना है। जैसे आप देख सकते हैं ओवर एनी नेटवर्क वाले ऑप्शन पे आपको डायरेक्टली सेलेक्ट कर देना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको ये देख सकते हैं इस डन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर ऑटो अपडेट ऐप्स का ऑप्शन शो रहा है तो इस वाले ऑप्शन पे आपको डायरेक्टली क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपको भी यहाँ पर देख सकते हैं ओवर एनी नेटवर्क वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर देना होगा, जैसे आप देख सकते हैं। इसके बाद आपको डन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा। इसके बाद चलिए आगे हम आपको बताते हैं क्या करना होगा। इसके बाद डायरेक्टली आपको इसी होम पेज पे आ जाना है। इसके बाद आपको करना क्या होगा, इसी दोबारा इसी प्रोफाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करके माई ऐप एंड गेम वाले ऑप्शन पे आपको डायरेक्टली यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं आप में कुछ इस तरह का ऑप्शन आप में देखने को आ जाएगा। इसके बाद आपके मोबाइल में जितने भी ऐप अपडेट के लिए कह रहे होंगे उस अपडेट को आपको देख सकते हैं। आपको यहाँ से अपडेट ऑल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपको अपडेट कर देना है। कभी क्या होता है कि आपके मोबाइल जो है ऐप अपडेट नहीं करते हो, इसके कारण भी यह प्रॉब्लम आप में देखने को आ जाती है। तो अगर आप ये सेटिंग करोगे तो आपके जो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और डाउनलोड की तब भी नहीं होती है जो आप में ऐप डाउनलोड की। तो चलिए आगे हम आपको बताते हैं क्या करना है। तो इसके बाद आपको करना क्या होगा, आपके अपने मोबाइल का जो सेटिंग है उसको आपको डायरेक्टली आपको ओपन कर लेना होगा। ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं आप में कुछ इस तरह का ऑप्शन आप में देखने को आ जाएगा। इसके बाद आपको करना क्या होगा, आपको यहाँ पर नीचे स्वाइप अप करना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पर देख सकते हैं आपको यहाँ पर ऐप्स का ऑप्शन शो हो रहा है तो इस वाले ऑप्शन पर आपको डायरेक्टली क्लिक कर देना होगा। क्लिक करने के बाद आप में कुछ इस तरह का ऑप्शन आप में देखने को आ जाएगा। इसके बाद आपको मैनेज ऐप वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। अगर आप अदर कंपनी की मोबाइल यूज करते हो, सैमसंग, वीवो या ओप्पो की, तो आप में ऐप एप्लीकेशन या ऐप मैनेजमेंट का ऑप्शन आप में देखने को आ सकता है। हम यूज कर रहे हैं रेडमी का मोबाइल तो हमारे में मैनेज ऐप का ऑप्शन है। तो अदर कंपनी का मोबाइल है तो आपको देख लेना है, जो भी आए आप में ऐप्स वाले ऑप्शन में आपको जाना होगा। तो चलिए हम मैनेज ऐप वाले ऑप्शन में यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद आप में क्या होगा कि आपके मोबाइल में जितने भी ऐप होंगे यहाँ पर शो होने लगेंगे। इसके बाद आपको सर्च वाले ऑप्शन में डायरेक्टली आपको जाना है और आपको यहाँ पर प्ले स्टोर, आपको गूगल प्ले स्टोर आपको सर्च कर देना है। तो जैसे आप देख सकते हैं हमारा गूगल प्ले स्टोर यहाँ पर आ गया, हमने प्ले स्टोर को यहाँ पर सर्च किया था। तो देख सकते हैं आपने प्ले स्टोर को यहाँ से ओपन कर लिए। ओपन करने के बाद आपको करना क्या होगा, चलिए हम आपको बताते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर फर्स्ट स्टॉप का ऑप्शन शो रहा है तो इस वाले ऑप्शन पर डायरेक्टली आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको ओके कर देना है। इसके बाद आपको करना क्या होगा, आपको यहाँ पर क्लियर डाटा का ऑप्शन शो रहा है तो इस वाले ऑप्शन पे आपको डायरेक्टली क्लिक करके क्लियर ऑल डाटा वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पर क्लिक करके क्लियर ऑल डाटा कर देना है। इसके बाद आपको करना क्या होगा, दे सकते हैं ऐप परमिशन का ऑप्शन शो रहा है
तो इस वाले ऑप्शन पे आपको डायरेक्टली क्लिक करके, अगर जो भी परमिशन यहाँ पे अलाउ नहीं है आपको डायरेक्टली अलाउ कर देना है। तो आपको ये सेटिंग करनी है यदि आपके मोबाइल में ऐप डाउनलोड नहीं हो रहा है, तब आप जाके अपने डायरेक्टली अपने जो है प्ले स्टोर को आप ओपन करेंगे तो देख सकते हैं आपको वेटिंग का टाइम लग सकता है, तो देख सकते हैं आपको वेट कर लेना है। देख सकते हैं हमारा जो है प्ले स्टोर यहाँ पर न्यू वर्जन आ गया, जैसे हमने क्लियर डाटा किया तो आपको जो हमने सेटिंग किया आप ये सेटिंग कर लोगे तो आपके मोबाइल में जो है यदि ऐप डाउनलोड नहीं हो रहा था तो आपके मोबाइल में जो है ऐप डाउनलोड होने लगेगा। तो यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।